राम कृष्ण और विश्वनाथ पूरी भारतीय संस्कृति इन त्रिदेवों पर टिकी हुई है। और जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो शुरू करने वाले लोगों में भी मैं था, तो हमारा यही नारा था राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। तो यदि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य ने अगर ये कहा है कि अयोध्या और काशी में निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है, तो हम उनके बयान की प्रशंसा करते हैं और अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। 2022 का चुनाव तो योगी जी ने जो काम किया है, मोदी जी ने जो सारे देश में विकास के कार्य किए हैं, और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस महामंत्र ने विपक्षियों की नींद हराम कर रखी है। वो कहीं कोई टिकने के लिए तैयार नहीं है, सब इकट्ठे होने का प्रयास कर रहे हैं, इकट्ठे हो भी नहीं पा रहे। अब ये भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है, विजय रथ, वो चल पड़ा है, और आने वाले कम से कम 2 दशक तक इस रथ विजय रथ का कोई तोड़ नहीं है। ओबीसी को पता होना चाहिए कि उनके परदादे के परदादे स्वयं सीताराम दास थे, वो स्वयं हिंदू की औलाद है, और हिंदुस्तान में जितना भी मुसलमान है वो हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट हुआ है। एक भी मुसलमान अरब से नहीं आया यहां पर, सब ओल्ड हिंदू है। तो अगर कोई स्वेच्छा से हम किसी का धर्मांतरण नहीं करते, वसीम भाई की तरह अगर लोग स्वेच्छा से अपने घर वापस आते हैं तो ये घर वापसी कहलाएगी, हम उनका स्वागत करेंगे। अब ओबीसी कब सोचेंगे हम नहीं जानते।